नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे मौसम को लेकर। बिहार में एक बार फिर से मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बर्फीली हवाओं का प्रभाव प्रदेश में कहर बरपा रहा है। विभाग की माने तो प्रदेश में तीसरे दिन भी बर्फीली हवाओं का प्रभाव रहा। ठिठुरन से राज्यभर में जनजीवन प्रभावित हुआ है। पटना समेत राज्य के 10 जिलों में पारा सामान्य से नीचे होने की वजह से गुरुवार को लगातार तीसरे दिन शीत दिवस की स्थिति रही। कई जिलों में धूप नहीं निकला। कोहरे की सघन बढ़ने से सुबह में जो है दिखाई नहीं दे रहा है। परिचालन काफ़ी प्रभावित हुआ है इससे विमान सेवा पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। ऐसे में ट्रेनें भी लेट चल रही है। बता दें कि अधिकतम तापमान में गिरावट को देखते हुए अगले 24 घंटे के लिए प्रदेश में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं पटना मौसम विभाग की माने तो जिन जिलों में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है उसमें बुधवार को पटना, मुजफ्फरपुर, गया, पूर्णिया, भागलपुर, सुपौल, पूर्वी चंपारण, अररिया, दरभंगा और गोपालगंज शामिल है। IMD पटना के निदेशक विवेक सिन्हा ने बताया कि लगातार दूसरे दिन सामान्य तापमान में काफ़ी अंतर होने की वजह से इन जिलों में शीत दिवस घोषित किया गया था। अब गुरुवार को दरभंगा, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, पटना, गया, सारण जिलों में जो है शीत दिवस की स्थिति घोषित कर दी गई है। वहीं अगर हम तापमान की बात कर लें तो कई ऐसे ज़िले हैं जहां का तापमान 10 डिग्री से भी कम हो गया है। ऐसे में गया का तापमान इस मौसम में सबसे कम रहा। अगर हम बात करें इस सीज़न की तो अब तक की जो ठंड है उसके हिसाब से गया जो है 4.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है, वो अब तक का जो है सबसे कम तापमान है इस मौसम का। वहीं अगर हम बात औरंगाबाद जिले की कर लें तो यहाँ 5.1 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। नवादा में 6.1 डिग्री, नालंदा में 6.5 डिग्री, पटना में जो है 6.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बक्सर की बात करें तो यहाँ 7.5 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। बांका में 8.1 डिग्री दर्ज किया गया है। भागलपुर की बात करें तो यहाँ 8.9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया है। बेगूसराय की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9.6 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। पूर्णिया में 9.8 डिग्री दर्ज किया गया है। अररिया, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में 9.9 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। तो ऐसे में कह लें कि कई ऐसे ज़िले हैं जहाँ का तापमान 10 डिग्री से नीचे है, तो ऐसे में जो है शीत दिवस घोषित होना आम बात है। मौसम विभाग ने मौसम की स्थिति को देखते हुए कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों तक किसी तरह की राहत मिलने के कोई भी आसार नहीं है। विभाग ने यह भी कहा कि रात का तापमान भले ही ऊपर चढ़ता हो लेकिन बारिश और ओला गिरने की वजह से दिन के तापमान ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि 22 और 23 जनवरी को पटना सहित प्रदेश के कई जिलों में बारिश के साथ ओला गिरने के आसार हैं। 24 जनवरी के बाद मौसम में आंशिक रूप से सुधार होने की उम्मीद जताई गई है, तो ऐसे में 21 जनवरी को कुछ जगहों पर थोड़ी थोड़ी राहत जो है वो मिलने की बात कही गई है। कहा गया है कि 21 जनवरी को प्रदेश के कुछ हिस्सों में राहत मिलेगी, वो भी ठंड से सिर्फ। फिलहाल बिहार के अधिकतम हिस्सों में अधिकतम तापमान जो है वो 15 से 17 डिग्री के बीच में रहने लगा है। इसके कारण लोगों को काफ़ी कनकनी महसूस हो रही है। ऐसे में मौसम में बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ बीमार लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ऐसे में बहुत ज़रूरी हो तो आप घर से बाहर निकले। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का भी कहर जारी है तो हमें दोहरी मार से बचना है। एक तो हमें ठंड से बचना है, दूसरी तरफ कोरोना का कहर है। तो हम जब घर से बाहर निकलें तो दोनों तरह के हिदायतों का पालन करें। एक तो घर से निकलने से पहले हम जो है ठंड से बचाव के कपड़े पहने, दूसरी तरफ कोरोना को लेकर मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तो हमें अभी वर्तमान में दोहरी मार झेलनी है तो हमें काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ज़रूरत हो तो ही हम जो है घर से बाहर निकले, नहीं तो ना ही निकले। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।